नमस्कार, मैं योगिंदर सिंह सारवान, निवर्तमान पार्षद वार्ड 11। जैसा सभी वार्डवासियों को मैं अवगत कराना चाहूँगा, कल नव वर्ष है, तो मैं आप सभी वार्डवासियों को आने वाले नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और वार्डवासियों से प्रार्थना करता हूँ कि वार्डवासियों का सह परिवार जीवन सुखमय बीते और वो तरक्की करें और अपने वार्ड की भी तरक्की में सहयोग करते रहें। और इसके अलावा मैं वार्डवासियों से प्रार्थना करता हूं, जैसा कि पिछले वर्ष 2020-21 में कोविड का दौर चला, उसमें बड़ी दुर्घटनाएं हुई, तो आने वाले समय में भी आपको इससे सुरक्षित रहना है। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हंसते रहें, हंसाते रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपको पुनः नव वर्ष की हार्दिक धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। आप बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना जीवन को खुशी में व्यतीत करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के कंझावला में सड़क पर मृतक मिली अंजलि की कहानी से पूरा देश शोक में डूबा है। अब इस मामले में मार्मिक जानकारी सामने आई है। पता चला है कि 20 साल की अंजलि के कंधों पर घर चलाने की जिम्मेदारी थी। उसके घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था। अंजलि के पिता का देहांत पहले ही हो चुका है। माँ की दोनों किडनी खराब है। घर में 4 बहनें और 2 छोटे भाई हैं। खुद का भी घर नहीं है, ननिहाल में वो रहती थी। युवती होश संभालने के बाद से घर चलाने के लिए इवेंट कंपनी में नौकरी करती थी। काम पर जाने के लिए उसने लोन लेकर अपने लिए एक स्कूटी भी खरीदी थी। बता दें कि कंझावला में 20 साल की युवती की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी और युवती को सुल्तानपुरी से कंझावला तक करीब 12 किलोमीटर घसीटते हुए वो कार ले गई। रविवार को हुए हादसे में युवती की मौत हो गई। मृतिका का शव नग्न अवस्था में सड़क पर पड़ा मिला। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शराब के नशे में होने के कारण उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि टक्कर के बाद स्कूटी सवार लड़की उनकी कार के नीचे फंस गई है। हालांकि जब काफी देर बाद उनको पता चला कि गाड़ी में नीचे शव फंसा है, तो वो मौके से भाग निकले। पुलिस का दावा है कि एक्सीडेंट के बाद कार के एक्सल में अंजलि फंसी थी। इसी बीच परिवार आरोप लगा रहा है कि पुलिस इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है, जांच से पहले ही वो आरोपियों को क्लीन चिट क्यों दे रही है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी भी की गई है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने FIR में IPC 304 यानी गैर इरादतन हत्या का मामला जोड़ दिया है। जांच के लिए आरोपियों का ब्लड सैंपल भी ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस अपनी लीगल टीम के साथ संपर्क में है ताकि आरोपियों की जमानत ना हो सके। दिल्ली के उपराज्यपाल के निर्देश पर अब सभी एंगल्स को खंगाला जा रहा है। CCTV फुटेज से पता चला है कि लड़की कार के अगले पहिए में फंसी हुई थी। 1 जनवरी की रात तड़के 3:28 पर U-turn पर लगे एक CCTV कैमरे में पूरा माजरा कैद हुआ। कुछ देर बाद 3:34 का ही एक और फुटेज मिला, जिससे पता चला कि लड़की को काफी देर तक घसीटा गया। युवती की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि जब हमने मृतक युवती के रास्ते का पता लगाया तो सामने आया कि वो अपनी स्कूटी पर अकेली नहीं थी। हादसे के वक्त उसके साथ एक और लड़की मौजूद थी। उसे हादसे में हल्की चोट आई। घटना के बाद वो घर चली गई, लेकिन मृतक का पैर कार में फंस गया, जिसके बाद उसे आरोपी 13 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। मृतक के पैर कार के एक्सल में फंसे हुए थे। पुलिस ने लड़की को ट्रेस कर लिया है और उस लड़की का भी अब बयान दर्ज किया जाएगा। लड़की का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज। नमस्कार जी, मैं दलीप साहनी, एडवोकेट एवं निगम पार्षद गुड़गांवा। वर्तमान में मेरी पत्नी श्रीमती रजनी साहनी निवर्तमान पार्षद है। मैं आप सभी को, अपने वार्ड वासियों को, गुरुग्राम वासियों को व हरियाणा प्रदेश के वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाला नया वर्ष 2023 आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए और आप लोग तरक्की करें। आपसे यही भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। साथ में ही एक प्रार्थना और करना चाहता हूँ आप लोगों से मैं, कि पिछले 2 साल के कोरोना के अंदर हमने बहुत कुछ खोया है और कोरोना फिर सर उठा रहा है। इसको देखते हुए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें, नियमित हाथ धोएं और डिस्टेंस बना कर रखें, बस, जिससे कि कोरोना आगे ना फैले।
मैं लास्ट में फिर ये प्रार्थना करता हूँ आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इंद्रपाल सल्ले, वार्ड नंबर 10, भीमगढ़ खेड़ी। मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को, वार्डवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि नव वर्ष आने वाला आपके बच्चों के, आपके परिवार में खूब ढेर सारी खुशियां लेकर आए। मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपसे यही प्रार्थना करता हूं। मैं वार्ड नंबर अभी तो कह नहीं सकता कि 9 और 10 दोनों एक ही होने जा रहे हैं, उसका प्रतिनिधित्व होने के नाते, वार्डवासी होने के नाते आप सभी से बार बार निवेदन करता हूं कि आप मुझे अपनी सेवा करने का मौका दे और पार्षद बनाकर अपना कर्तव्य निभाए और मुझे अपनी सेवा करने का मौका दे। जय हिंद, जय भारत।